हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज ये मिनी रत्न कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंजीनियरिंग प्रोफेशनल की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट है वो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस पे होगा, और जो इंटरव्यू है वो राजस्थान के जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इस पर कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसके नोटिफिकेशन पर चलेंगे, नोटिफिकेशन पर देखेंगे कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, कौन कौन से इंजीनियरिंग ट्रेड है वो इसमें एलिजिबल है, और कैंडिडेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी वीडियो आपके वीडियो के माध्यम से आपको सारी अपडेट मिलती रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है, इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट्स लिमिटेड ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेट टेक्नोलॉजीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। इसके द्वारा अर्जेंट बेसिस पे हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल की भर्ती निकाली गई, जिसमें सबसे पहले वीसी नंबर दिए हैं, फिर पोस्ट दिए हैं, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी दिए। सबसे पहले तो सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर की 5 पोस्ट रखी गई है, फिर ड्रॉट्समैन की 13 पोस्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल इंजीनियर की 2 पोस्ट है, फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की टोटल 11 पोस्ट दी हुई है। एज लिमिट की अपन बात करें तो मैक्सिमम एज वो 55 वर्ष है, और जो कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन को 1/10/2023 रखी गई है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अपन बात करें तो सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर को फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने का। फिर ड्रॉट्समैन सिविल के लिए 10+ ITI पास आउट होना जरूरी है, ट्रेड्समैनशिप या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रॉट्समैन सिविल, कैड ऑपरेटर इन ऑटो कैड, फिर सिविल इसके इनके 1 साल का ऑटो कैड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल इंजीनियर फुल टाइम बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होने की जरूरत है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर सिविल में फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या इसको इक्विलेंट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट्स के पास डिग्री है उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिनके पास डिप्लोमा उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी जरूरी है। यहाँ SC ST OBC के कैंडिडेट को एज में छूट भी प्रदान की जाएगी। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो तो टोटल 100% जो मार्क्स होंगे उनमें एक्सपीरियंस को 10% वेटेज दिया जाएगा, और इंटरव्यू को 90% वेटेज दिया जाएगा। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफेशन को 60% और पर्सनल नैरेटिव कम्युनिकेशन एंड कंपिटेशन को 30%। इस प्रकार से 90% का इंटरव्यू होगा, 10% एक्सपीरियंस के होंगे, टोटल 100% है वो मार्क्स इस प्रकार से बनाए जाएंगे। जो अनरिजर्व EWS के कैंडिडेट है उन्हें 60% मार्क्स से इंटरव्यू में प्राप्त करना जरूरी है। SC ST OBC NCL के कैंडिडेट उन्हें 50% मिनिमम मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी होंगे। तो इंटरव्यू है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से होगा। कैंडिडेट है उन्हें अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है, इसके साथ ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। कैंडिडेट को फाइनली तौर पे सेलेक्ट करने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा राइट्स के रूल्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स नियम के अकॉर्डिंग। अब नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है, तो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद में प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने तक और कैंडिडेट की जो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें राजस्थान जो क्लाइंट जो इसमें आप देखो सेलेक्टेड कैंडिडेट उन्हें इनिशियल तौर पर राजस्थान में पोस्टिंग दी जाएगी, और उनको जो इंडिया है उसमें जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाएगी।
अब जैसे रिम्यूनरेशन की अपन बात करें तो सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए 24,040 रुपये पर मंथ और ईयरली बात करें तो 5,25,033 रुपये रखे गए हैं। डोर्समैन के लिए 14,317, साल की बात करें तो 3,12,683। अब फील्ड क्वालिटी मैनेजर डिग्री होल्डर्स को मिलेंगे 23,340 रुपये, इस प्रकार से सालाना होंगे 5,09,741 रुपये। और कंट्रोल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 17,853 रुपये पर मंथ और एक साल के जो ईयरली अपन इसको काउंट करें 3,89,906 रुपये कैंडिडेट को दिए जाएंगे। अब इसके बाद में जो और कैंडिडेट है जो जो वीसी नंबर 342-23 है उनको जो पे स्केल है 30,000 से 1,20,220,000 में अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को जो लीव है, मेटर्निटी लीव है, पेटर्निटी लीव है, मेडिकल फैसिलिटी, एक्सीडेंट, डेथ इंश्योरेंस है, लीव एनकेशमेंट है, वो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उन्हें डीए और जो वेरिएबल अलाउंस है 23% बेसिक का और जो इसके साथ ही कॉन्ट्रीब्यूशन और पीएफ ग्रेजुटी है उसका पेमेंट भी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। हाउ टू अप्लाई की अपन बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन है इसको केयरफुली रीड करना है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, फिर www.rights.com के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैंडिडेट को सेफ रखने हैं, सारी डिटेल्स है वो कैंडिडेट को एकदम सही से फिलअप करनी है और फाइनली एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है जो कि इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट को अपने साथ लेके जाना है। आप कैंडिडेट को इंटरव्यू के समय जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंटआउट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो वो लेके जानी है। इसमें आपको क्या क्या दो रिसेंट साइज की पासपोर्ट फोटोकॉपी, हाई स्कूल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द क्वालिफिकेशन फॉर ऑल सेमेस्टर, जिसमें 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो एलिजिबल है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस का होना जरूरी है जिसमें आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये सारे शामिल है, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है उसके लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको पुटअप करना है, एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि आपके लागू है और डिटेल जो सीवी या रिज्यूमे है आपको वो बना के लेके जाना है। जो कैंडिडेट कहीं पे अभी काम करें उन्हें एक्सपीरियंस लेटर जो अब एम्प्लॉयर है उनसे बनवा के लेके जाना है और जो फॉर्म 16 या अर्निंग कार्ड या सैलरी स्लिप उसके पास है तो वो भी कैंडिडेट्स को लेके जाने जरूरी है। अब इंटरव्यू की अपन वेन्यू की बात करें तो इंटरव्यू है वो AB 435 ब्लॉक ए निर्माण नगर जयपुर राजस्थान में इसका इंटरव्यू है वो रखा जाएगा। इंटरव्यू की डेट वो 13/10/2023 से लेकर 20/10/2023 के बीच में रखे गए। यहाँ पहले आओ पहले पाओ का नियम इसमें लागू होगा और कैंडिडेट उन्हें जो ज्वाइनिंग है वो 15 दिन के अंदर अंदर करनी जरूरी होगी यदि उन्हें ऑफर लेटर जारी किया जाता है। और 15/10/2023 को यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा, यानी एक दिन का बीच में इसमें ऑफ रहेगा। जो भी इस संबंध में कोई कोरिंगेंडम या अमेंडमेंट जारी होंगे तो इस राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जारी होंगे। अब कोई यदि कैंडिडेट की क्वेरीज है तो वो इसके ऊपर RECTT@rights.com के ऊपर कैंडिडेट है वो भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 5/10/2023 से लेकर 17/10/2023 तक रखी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू है वो निर्माण नगर जयपुर में रखा जाएगा। इंटरव्यू 13 से 20 के बीच में होगा जिसमें 15/10/2023 को छुट्टी रहेगी। कैंडिडेट को ऑफर लेटर जारी होने के बाद 15 दिन में ज्वाइन करना जरूरी है। तो दोस्तों जो इंटरव्यू है वो जयपुर में ही इसका रखा जा रहा है, तो खास तौर से जो जयपुर के आसपास के कैंडिडेट है या जो राजस्थान से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट है उनको एलिजिबल माना गया है, वो निर्माण नगर जयपुर में इस इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं यदि वो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम्प्लीट करते हैं। उसके बाद क्योंकि शुरुआती तौर पर अपन बात करें तो पोस्टिंग का रास्ता या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो जहाँ पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स को सैलरी भी अलॉट होगी। सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी रखी गई है। दोस्तों इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।